हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू क्लास थ्री। आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री में हिंदी में चैप्टर 8 पंदरबाट में चिंतन से संबंधित प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो क्वेश्चन है, बंदर ने रोटी बराबर बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है? तो हम तरबूज, काशी फल, चावल, इन चीज़ों को हम लोग तोल कर खरीद सकते हैं। क्वेश्चन 2, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है, दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? बच्चों, आप लोगों ने हमें कुछ तोलते हुए देख फल फल को तोलते हुए, सब्जी को तोलते हुए देखा होगा, जिसमें तराजू में तोलने वाला कुछ धातु का कोई चीज़ रखता है, बाट जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपको वो बताना है कि वो बाट जो है किस चीज़ का बना होता है। तो इसका आंसर होगा, आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातु तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट का इस्तेमाल करते हैं। बाट या तो लोहे का बना होता है या फिर पीतल की भी बनी होती है, जिसका इस्तेमाल सुनार लोग करते हैं सोने चांदी की धातु तोलने के लिए। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। बाट से हम लोग किसी चीज़ का वज़न जानते हैं कि ये कितने किलोग्राम का होगा। यही बाट से हम लोग यही सब चीज़ ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से हम लोग इस चीज़ का पता कर सकते हो। तो बाट जो है हमेशा 1 किलो का हो सकता है, या 2 किलो का, 5 किलो का, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो व 50 किलो का भी हो सकता है। बिल्ली को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़े नहीं हैं, जो कि खाने की ऐसी चीज़ों के महक बताना है जो कि खाने की चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध, ये सब चीज़ें क्या है, खाने से संबंधित नहीं है। तो तुम्हें ऐसी चीज़ों का नाम बताना है। तो हमें किन किन चीज़ों की महक अच्छी लगती है? तो खाने की, हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक जो है हमें अच्छी लगती है। और खाने के अलावा किन किन चीज़ों की महक आती है? तो पाउडर की, क्रीम की सुगंध की, फिनाइल, मिट्टी की, तेल की गंध, गैस या पेट्रोल की गंध, इन चीज़ों, ये चीज़ें जो है खाने से संबंधित नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की महक आती हैं। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, मुझे महक रोटी की आती। तो इस आपको क्या करना है, आपको इसमें कोई भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, बल्कि इसी वर्ड को आपको आगे पीछे करके लिखना है। मुझे महक रोटी की आती, तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो तुम भी इस तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको शब्दों को आगे पीछे करके लिखना है। जैसे कि उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, वो रोटी मेज पर रखी है, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। तो बच्चों, आपको इसमें अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं जोड़ना है, बल्कि जो लाइन दिया गया है उसमें जो वर्ड है उसी वर्ड को आगे पीछे करके लिखना है। अगले दिन बिल्लियों को एक तरबूज मिला, दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हो गया हुआ होगा, आपको इस कहानी को अपने से आगे बढ़ाना है। तो अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, आपको इस कहानी में रोटी का बंटवारा करते हुए दिखाया, अगर रोटी की जगह तरबूज होता, अगर बिल्ली तरबूज लेके जा रही होती और बंदर आ जाता, तब क्या होता, आपको यही बताना है। तो अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ मैं बंटवारा कर दूँ। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगे। यह कहकर वह चली गई और बंदर अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो बच्चों, आपको इन सारे प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।